ये राज जनता का राज होगा। राजस्थान में चुनावी शोर विधानसभा की जंग के लिए बिसात बिछ चुकी है और इसके साथ ही राजनीतिक मोहरे भी मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने दांव चल रहे हैं। लेकिन गुरुवार को बीजेपी की तीसरी लिस्ट ने सूबे की सियासत को चौंका दिया है। इस लिस्ट में पायलट के खिलाफ बीजेपी ने जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है उसने राजस्थान बीजेपी के लिए बड़ा संदेश दिया है। बीजेपी ने राजस्थान के एकमात्र मुस्लिम दावेदार और वसुंधरा राजे के कट्टर समर्थक यूनुस खान को इस बार टिकट नहीं दिया है। यूनुस खान को ना तो टोक से उम्मीदवार बनाया गया ना ही डिडवाना से। यूनुस खान के राजनीतिक सफर पर नजर डालें तो यूनुस खान डिडवाना से 2003 और 2013 में दो बार विधायक रह चुके हैं। वसुंधरा राजे सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे लेकिन 2018 में पार्टी ने पायलट के सामने टोक उतारा था। लेकिन यूनुस खान को सचिन पायलट से करारी हार मिली, जबकि यूनुस खान लगातार डिडवाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार डिडवाना से बीजेपी ने जितेंद्र सिंह जोधा को टिकट थमाया है और टोंक से अजीत सिंह मेहता को मैदान में उतारा है। पार्टी के इस फैसले से यूनुस खान खासा नाराज हैं। यूनुस खान ने इशारों में अपने निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। यूनुस खान ने पार्टी की ओर से की गई अपनी उपेक्षा को लेकर कुंठा जाहिर की और कहा कि उन्होंने कहा है कि 5 साल मेहनत करने के बाद भी पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया है। इसको लेकर वो पार्टी से उचित प्लेटफॉर्म पर बातचीत करेंगे, इसके बाद जनता जो भी फैसला करेगी। इतने लंबे समय तक मेरा पार्टी के साथ में और डीडवाना की जनता के साथ में एसोसिएशन रहा है, उनका प्यार स्नेह आशीर्वाद मुझे मिलता रहा है, उसका आभार व्यक्त करते हुए मैं आग्रह करूंगा 4 नवंबर 2023 को मैं डीडवाना आकर जन सेवा केंद्र साल्ट रोड पर आपसे मिलूंगा और आप सब लोग पधारें जिसमें अपन मिल करके अगले निर्णय के बारे में फैसला कर सकें कि हम लोगों को क्या करना है। वहीं दूसरी ओर ये भी माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान वसुंधरा गुट पर भी शिकंजा कसना चाहती है ताकि चुनावों के बाद सीएम के चेहरे को लेकर कंट्रोल दिल्ली के हाथ में रहे। हालांकि बीजेपी का ये दाव इसके लिए उल्टा ना पड़ जाए, क्योंकि अगर यूनुस खान ने डिडवाना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोकी तो इसका पार्टी को ही नुकसान होने वाला है और यूनुस खान के बागी तेवर देखकर ये तो तय है कि पूर्व मंत्री आर पार के मूड में हैं। अब पार्टी इस हालात से कैसे निपटने वाली ये देखना काफी दिलचस्प होगा।